देश की तरक्की या उन्नति के लिए सड़कों का एक बड़ा महत्व होता है। इंडस्ट्री कह लो, एजुकेशन कह लो, एग्रीकल्चर कह लो, व्यापार हो, हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी कह लो, इस सब का विकास सड़कों के जाल पर निर्भर होता है। भारत में जहां तेज़ी से हर प्रकार की सड़कें बन रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पिछले 3 वर्ष से सड़कों का नेटवर्क बिछाने में देश में 3रे नंबर पर है। इस सब के पीछे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट श्री शैलेंद्र कुमार के अंथक प्रयास हैं। ये सब हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र साहब हैं, उन्होंने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी कि हम इसको एक प्लान्ड सिस्टम में ले लें। पहले तो इश्यूज रिड्रेस करें और इश्यूज रिड्रेस करने के बाद फिर एक्सपेडाइट करें अपना काम। जम्मू कश्मीर में कुल सड़कें 41,000 किलोमीटर तक हैं, जिनमें 36,000 किलोमीटर सरफेस्ड और बाकी 11,000 किलोमीटर अनसरफेस्ड हैं। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि इतने बड़े रोड नेटवर्क की देखरेख करने के लिए सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 2021 बनाई है। इसमें सड़कों की देखरेख के लिए पूरे मापदंड बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सड़कों का काम 2 कैटेगरी में चल रहा है। एक जो PWD या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाती है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना या PMGSY। पहले हम नज़र डालते हैं PWD पर, जहां पिछले 8 वर्ष से हाईएस्ट मैकेडमाइजेशन रेट है। वर्ष 2015-16 में प्रतिदिन 10 किलोमीटर से बढ़कर इस समय ये रोज़ाना लगभग 20 किलोमीटर तक है। वी आर ट्राइंग दैट हमारे लास्ट मोमेंट पे थोड़ा टारगेट्स 20 किलोमीटर पर डे पे हिसाब से हम इंशाल्लाह पूरा इसको अटेन करेंगे। हमें 12-13 किलोमीटर में हमने वी आर कंफर्टेबली डूइंग इट, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। वर्ष 2021-22 में 2008 करोड़ रुपए की लागत से 91 ब्रिज बने हैं। इसमें वायलू ब्रिज भारत में अपने तरीके के ब्रिजेस में से एक है। हमारा एक वायलू ब्रिज गांधरबल में था। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, तो ये हमारे इंडिया में भी बहुत काम है। ये आर्च थ्रू हमने बहुत 17-18 मीटर का आर्च है और ये 110 मीटर स्पैन का ब्रिज है। पिछले 20 साल से वहाँ ब्रिज नहीं बन रहा था, ये इस साल इंशाल्लाह हम कंप्लीट करें। 2020 में वो एक्चुअली उसका सब क्लियरेंस आ गए थे, उसमें क्लियरेंस, तो 2021 में हमने उसका सब स्ट्रक्चर वहाँ बॉर्डर स्टाटा है वो हमने 2021 में कंप्लीट किया और इस साल हम इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर रहे हैं। वो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, कंट्री में भी बहुत काम इस टाइप के ब्रिज है और कश्मीर में फर्स्ट आर्च ब्रिज होगा जो, और वो भी 90 मीटर सेंट्रल स्पैन और 10-10 मीटर के 2 साइड स्पैन हैं। PWD ने कुछ प्रोजेक्ट्स वॉर फुटिंग पर भी लिए हैं। हमारा एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड था जो ऐसे रुका हुआ था, जो हमने शुरू इस साल कंप्लीट करने के लिए, हमारा वो CRF में हमारा शिपियन बिजबारा रोड था, वो हमने बहुत उसमें हमने बहुत शॉर्ट टाइम रखा है, जो उसका बैलेंस वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और वो जो शिपियन बिजबारा रोड है वो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड बिकॉज वो आपका शिपियन पूरे फूड बेल्ट को हाईवे के साथ मिलाता है और वहाँ आपका ये आपका जो अभी फ्रूट मंडी जो बना है जबलीपुरा उसके साथ कनेक्ट करता है। दूसरा प्रोग्राम होता है हमारा CRF और NABARD, जिसमें हम रोड नया कंस्ट्रक्ट करते हैं या अपग्रेड करते हैं। NABARD लोन असिस्टेंस के तहत वर्ष 2021-22 में 400 प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए थे, जिनकी लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए थी। इनमें सड़कें और पुल शामिल थे। और अब वर्ष 2022-23 में 208 प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, जिनकी लागत लगभग 1100 करोड़ रुपए है। 1998 से अब तक NABARD के तहत वर्ष 2023 की बात करें तो 3211 प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं, जिनकी लागत 8533 करोड़ रुपए है। पॉटहोल फ्री सड़कों पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। पॉटहोल फ्री हमारे 2 इश्यूज होते हैं, एक तो पॉटहोल फ्री जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रोड्स थे उनको हमने एक पॉटहोल फ्री प्रोग्राम में लिया हुआ है। एट द सेम टाइम एक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी जो इस साल गवर्नमेंट ने हमारे
डिपार्टमेंट ने एक इशू किया। हमारे बहुत सारे मैनुअल्स इस साल इशू हो गए हैं, इसमें जैसे मैकेडम मशीन क्वालिटी कंट्रोल इशू मैनुअल हो या यही रोड मेंटेनेंस पॉलिसी, उसमें हम स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि जहाँ भी पॉट होल हो उसको उसी टाइम अरेस्ट किया जाए। बिकॉज अगर पॉट होल को इमिजिएटली अरेस्ट ना किया जाए तो उसका साइज इतना बढ़ जाता है, फिर वो पूरा स्ट्रच ही खराब हो जाता है। उसके लिए और उसके लिए कुछ मटीरियल्स भी आए हैं जो इवन कोल्ड वेदर में भी हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनके लिए भी हमने कुछ वो आइटम्स कैलकुलेट किए हुए हैं। वी विल इंशाल्लाह बी श्योर दैट हम कोशिश करेंगे कि पॉट होल कहीं ना हो। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना की, है जिसने बड़ा रेवोल्यूशन लाया है रोड नेटवर्क में हमारे इंडिया में। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने लॉन्ग बैक ये देखा कि ये हमारी जो विलेजेस हैं मोस्टली अनकनेक्टेड हैं और वहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो वहाँ से ये एक शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। और आज जहाँ हम पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त लोगों ने एनविसेज किया था कि इसमें इतनी तरक्की हो जाएगी और हम लोग इतना दूर पहुँच जाएंगे, इतनी इसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी जिससे बड़ी डेवलपमेंट भी लोगों को होती है। प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना या PMGSY के अंडर 2001 के सेंसिस के मुताबिक लगभग सभी हैबिटेट्स कनेक्टेड हैं। टोटल हमारी हैबिटेशंस 250 से ज़्यादा सोल्स यहाँ पे हैं एज़ पर 2001 सेंसस, उसका नंबर है 1420। उसमें से सिर्फ 59 रह गई हैं आज की डेट में, जो हम बाय द क्लोज ऑफ दिस मंथ सारी की सारी कर लेंगे। शायद एक दो रह जाएंगी जहां रोड पूरी नहीं हो पाएगी, बाकी सारी की सारी कनेक्टेड ट्रीट होंगी। जम्मू कश्मीर में PMGSY के अंडर 19,000 किलोमीटर सड़कें सैंक्शन हुई थी, जिसमें से 17,600 किलोमीटर बन चुकी हैं और बाकी कुछ ही समय में बन जाएंगी। जम्मू डिवीजन में इन सड़कों की लंबाई कितनी है? कोई ये 13,787 किलोमीटर की रोड्स हैं जो टोटल हमारी PMGSY 1 और 2 में सेंक्शन हुई थी, जो अब इस सितंबर में हम क्लोज कर रहे हैं, और उसमें 217 ब्रिजेस भी थे और उसकी लागत थी 8,716 करोड़ रुपया। और हम लोगों ने आज की डेट में कोई अराउंड 95% से ज़्यादा कवर कर ली हैं रोड्स। ब्रिजेस में थोड़ा सा पीछे हैं हमारे, कोई 45 ब्रिजेस तो इस बार कंप्लीट हो जाएंगे और जो हमारे स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगे दे विल बी अबाउट 20-21 ब्रिजेस स्पिल ओवर हो जाएंगे। ब्रिजेस या पुलों की डिटेल्स कश्मीर घाटी में PMGSY के अंडर यूं हैं। टोटल तो 108 बने हैं छोटे बड़े ब्रिजेस, लेकिन आज की डेट में अभी हमारे 4 ब्रिज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, वो अभी उनमें से 2 तो इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और आगे के 2 आपको मार्च तक फिनिश करके देंगे इंशाल्लाह। PMGSY के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाना आसान नहीं है, परंतु फिर भी लक्ष्य पूरी मेहनत से पूरा किया जा रहा है। पूछा पहाड़ी इलाकों में सचमुच में बड़ी दिक्कत आती है हमें, और हर इलाके की अपनी पिक्यूलियर सी सरकमस्टांसिस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किश्तवाड़ में चले जाएं, वहाँ पे मोस्टली रॉकी एरिया और बड़ी हार्ड रॉक्स हैं, उसमें हमें बड़ी जगह ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, और ब्लास्टिंग में दिक्कत आती है कि ऊपर हायर कंट्रोल पे रोड बन रहा है, नीचे लोगों के घर हैं, जब ब्लास्टिंग करते हैं तो नीचे डैमेज होने का खतरा रहता है, बड़ी दिक्कतें वहाँ पर आ जाती हैं। और फिर कई बार हम रॉक ब्रेकर लेके जाते हैं, इनफैक्ट पहाड़ी इलाकों में एक्सीडेंट्स हमारे बड़े हो जाते हैं, जहाँ तक मैं बता पाऊँगा आपको कोई 8-10 हादसे हो गए ऐसे जिसमें कुछ जान माल का नुकसान भी हो गया, हमारे लेबरर्स की डेथ्स हो गई, कुछ 2-4 मशीनें थी वो पहाड़ी से गिर गई टूट गई, पिछले साल जो हुआ डिफ़िकल्टी बड़ी ज़्यादा आती है। देहातों में PMGSY के अंडर सड़कें कहाँ बनाई जाती हैं, इसका चयन ऐसे होता है? एक तो हमारा एक मेथड होता है क्यूमुलेटिव अपग्रेडेशन का, जो एक प्रोसीजर होता है, पहले तो होता है कि कितनी आबादी को फ़ायदा होगा, फिर हम देखते हैं कि इसको कहाँ से ट्रैक, हम कहाँ से सड़क बनाएंगे, उसके बाद जब हम सड़क का एक रफ प्लान बनाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसमें हैबिटेशन को जो एसेंशियल्स हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनका जो पंचायत घर है, तहसील हेडक्वार्टर है, कॉलेज जाने का रास्ता, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उस जगह का, उसको मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट से जो चीज़ें उनको चाहिए, मतलब खाद चाहिए या फिर पेस्टिसाइड चाहिए या और कोई चीज़ उनको चाहिए होती है अपने प्रोड्यूस के लिए,
तो उसको कैसे हम कनेक्ट करें। सो हम हैबिटेशन भी कंसिडर करते हैं और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो रोड है उसका ऐसा होना चाहिए इम्पैक्ट कि उस जगह पे जो उनका प्रोड्यूस है वो इमिडिएटली मार्केट तक पहुंचे, जो लोग हैं वो अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे, किसी को पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, उनको हम ईज आउट कैसे कर सकें। तो ये हमारा एक प्लान रहता है जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम सड़क को किस रूट कौन सा हम इख्तियार। इन सड़कों की मेंटेनेंस और रिपेयर का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस साल से हमारी जे एंड के यूटी ने, हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एलजी साहब की क्यादत में एक हमें अलो किया है कि जो डैमेजेस हुए हैं ये फर्स्ट टाइम है कि हमने एस्टीमेट बनाकर भेजे हैं और हमें काफ़ी एक्सटेंसिव फंडिंग की गई है स्टेट सेक्टर से उनको इम्प्रूव करने के लिए। आने वाले समय में PMGSY का एम कुछ यूं है। आने वक्त में हमारा इंशाल्लाह अभी तो जो प्लान PMGSY 3 का अप्रूव हो गया है वो हमने टेंडर आउट भी किया है। हम चाहेंगे कि इस बार हम उसको एक बहुत ही टाइट टाइमलाइन के तहत उसको कंप्लीट करें और बैच 2 को हम इमीडिएटली हम आजकल प्रोसेस कर रहे हैं कि इसका जो सेकंड बैच है वो भी हम विद इन टाइम शेड्यूल मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको सही कर सकें, कंप्लीट कर सकें, कंप्लीट करके पूरे अपने जो हमारा जो रोड नेटवर्क है उसको टू द बेस्ट पॉसिबल जो स्पेसिफिकेशन है उस पर पहुँचा सकें। अब आने वाले समय में अभी हमारा PMGSY 3 जैसे मैंने सबमिट किया हमारा शुरू हो गया है, 786 किलोमीटर रोड मेरी सेंक्शन हुई है जबकि 902 का टारगेट था, और जब वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएंगे उनकी टेंडरिंग ऑलरेडी हमने कर रखी है जो वो उसकी कास्ट 981 करोड़ है और हमारा टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक हमें उसको अलाट करना है कामों को, सारे कामों को, और फिर एकदम काम शुरू हो जाएंगे। हाँ, जहाँ किसी रीज़न के लिए अगर टेंडर फेल हो जाता है, कोई बड़ा हाई रेट डाल देता है या कोई ऐसा इशू बन जाता है कि टेंडर नहीं आते, वहाँ वो रिटेंडरिंग में चला जाएगा।